अवकाश के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट को उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण मामले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद संसद में बोल रहे थे। संसद में चंद्रशेखर आजाद ने जमकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी सभी को सुनाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वो SC ST आरक्षण के वर्गीकरण मामले के अंदर अपना क्या रुख है वो करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से दो राज्यों में इस मामले को, इस फैसले को समर्थन देने की बात कही गई थी, लेकिन कल देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक आयोजित हुई जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अनुसूचित जाति जनजाति के और भी कई नेता और इसके अलावा वकील है वो भी मौजूद रहे। वकीलों ने सबने कहा कि इस मामले का, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का समर्थन करना चाहिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और दलित नेताओं ने कहा कि अगर इसका समर्थन किया जाता है तो फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उनसे दूर हो जाएंगे। इस तमाम चीजों पर गहन चिंता करने के बाद कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई फैसले पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर करीब 15-20 दिन बाद इसकी एक बार फिर से बैठक बुलाई जाएगी और इस मामले में आगे की क्या रणनीति होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ इस मामले में ओबीसी समाज के लोग भी है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ है वो नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर आपको बता दें कि इस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जबकि बीजेपी अभी तक इस मामले में कुछ भी